कितनी सारी गैस, थोड़ा और डालते हैं इसे, देखो जल गया। यही तो चाहते थे। एक बहुत प्यारा डायलॉग सुना होगा आपने, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बनी हुई बारूद को विश्वनाथ कहते हैं। तो राख वाख की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कुछ धुआं धुआं सा होगा आज के इस एक्सपेरिमेंट में, और अगर कुछ उससे नया करके दिखा पाए तो ज़रूर दिखाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक बहुत प्यारी सी रिएक्शंस, पोटेशियम परमैंगनेट। आपने सुना होगा K-NO4 केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केमिकल है, जिसको पानी में डालो तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको डालेंगे हम एक फ्लास्क में, एक छोटे से कंटेनर में। इसमें जब हम डालेंगे तो इसको और उसके साथ फिर रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हाइड्रोजन परऑक्साइड है मेरे पास बहुत सारा, तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को जैसे ही इसमें डालेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी काम करता है, और K-NO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपस में रिएक्शन करेगा। तो ये धमाकेदार रिएक्शन पानी में चलेगी न्यूट्रल मीडियम में। तो देखते हैं ये रिएक्शन कैसे चलती है, ठीक है? तो कराते हैं, पहले निकालते हैं K-NO4। K-NO4 बहुत लोगों को लग रहा होगा स्पून से क्यों नहीं निकाल रहे। अरे भैया स्पून से निकालेंगे तो स्पून से इसमें डालना बहुत टफ है यार, नाइफ से निकाल लेंगे तो डालना बड़ा आसान है। तो ये रहा अपने पास K-NO4। K-NO4 इसमें चला गया है भैया, ज़्यादा लिया नहीं है क्योंकि इतने से भी हमारा काम बहुत सारा हो जाएगा। थोड़ा सा कलर दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें डाल के पानी न्यूट्रल मीडियम में होगा। तो ये वाटर ले लिया, इसमें कलर आप देख सकते हैं पर्पल कलर, बढ़िया शानदार सा। कभी आपने बचपन में देखा होगा घर में बनियान वनियान धुलते हैं तो ऐसा कलर आ जाता है, नील जैसा कलर, ठीक है? तो अब इसी में डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो शानदार रिएक्शन चलेगी। और साथ में देखेंगे कि यहाँ पर एक गैस लिबरेट होती है जो कि है ऑक्सीजन गैस। तो क्या वो कुछ नया भी काम कर पाएगा? नया काम मतलब, ये लेता हूँ एक धूप बत्ती को जला करके, इसको जला के रखेंगे इधर ही। क्यों भाई, कोई पूजा वूजा करने जा रहे क्या इसका? नहीं नहीं, ये जो धूप बत्ती है ना, ये जल के तो बुझ जाएगी अभी थोड़ी देर में। फिर हम कोशिश करेंगे जो यहाँ गैस बनती है वो इसको फिर से जला पाएगी कि नहीं। गैस तो बनेगी, आप उसको रिएक्शन में बहुत अच्छे से देख भी पाएंगे, लेकिन अगर वो सफिशियंट अमाउंट में गैस निकली तो ये जो बुझ जाएगा, और फिर अगर हम इसको प्रॉपर बहुत सारा ऑक्सीजन गैस देंगे तो ये फिर से जलने लगेगा। तो वही हम करके दिखाते हैं, शुरू करते हैं। शुरू किया, अब समझ लो खत्म करते हैं। जैसे ही इसमें पड़ेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, रिएक्शंस फटाफट आगे की तरफ भाग जाएगी। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, खतरे की घंटी बज चुकी है, समझ लीजिए। एक दो और आखिरी नंबर है, ये लिक्विड बाहर भी आ जाता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा यार। इतना बहुत डेंजरस नहीं है, हाथों में पड़ भी जाता है तो बहुत डेंजरस नहीं है, और बहुत प्यारी गैस बनेगी, उसे हम सूंघ भी सकते हैं, इवन सूंघते ही हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। तो ये रहा हाइड्रोजन परऑक्साइड जो मैंने पहले से ही निकाल रखा है, जा रहा है इसमें K-NO4 में। तो देखो बहुत सारी गैस बनी इधर, कितनी सारी गैस, थोड़ा और डालते हैं इसे, कितनी सारी गैस, थोड़ा और डालते हैं इसे, देखो जल गया। यही तो चाहते थे कि जो बुझा हुआ है वो जल जाए, ठीक है? तो देखो अभी भी इसमें गैस निकल ही रही है। तो जो अगरबत्ती मैंने जला के बंद रखी हुई थी, बुझी हुई थी, तो जो बुझी हुई थी वो जल गई भाई। कौन सी गैस लिबरेट हुई होगी? पक्का ऑक्सीजन गैस, उसी ऑक्सीजन ने इसको फिर से जला दिया। लोग बोलते हैं ऑक्सीजन हवा में कम होता जा रहा है, नहीं, हवा में 20% ऑक्सीजन सही है, ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा ना तो ये सब जल जाएगा, जैसे ये जलने लगा। थोड़ा सा और बचाए, डाल दिया जाए इसे भी, और भी गैस बनी, देखो कैसे इसमें स्पीड पकड़ लेता है इसकी, थोड़ा सा और भयंकर तरीके से जलने लगता है। देखो जैसे जैसे इसको ऑक्सीजन गैस मिलता है ना, इसमें और बूम आ जाता है। तो किसी बुझी हुई चीज़ को जलाना हो तो क्या करें, ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करो। इसीलिए देखो जो लोग जान जाने वाली होती है उनको ऑक्सीजन ही कनेक्ट कर देते हैं, कि अगर ऑक्सीजन ही कनेक्ट कर दिया तो बॉडी के अंदर जो आग लगी है ना वो बुझेगी नहीं, मरोगे नहीं। किसी किसी का देखो जैसे ऑक्सीजन का मास निकालते हैं जान चली जाती। तो ये एक्सपेरिमेंट अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो चुका है और मज़ा आ गया भाई। थोड़ा सा और बचा है क्या? अच्छा देखिए, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, अगर यहाँ केमिकल वेमिकल कोई गिरा होगा उससे भी रिएक्शन कर जाता है, दिखाते हैं आपको। देखिए कितना मस्त, अगर यहाँ कोई केमिकल होगा, देखिए रिएक्शन कर गया, कोई डेंजरस नहीं है ये, समझ लीजिए बिल्कुल जैसे डिटॉल विटॉल से कोई चीज़ साफ़ करते हैं ना वैसे। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इससे आप हाथ वाथ धुल सकते हैं, बढ़िया सैनिटाइजर जैसा काम करता है, बिल्कुल नेचुरल सैनिटाइजर। इसमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, उसे सूंघ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे परेशान ना होइए।
ये यहाँ पर पहले से ही थोड़े से KMn4 गिर गए हैं, उन्हीं से रिएक्शन चल रहा है और ये बिल्कुल प्यारी सी रिएक्शन, और उसके बाद प्रेसिपिटेट दे देता है। ये कौन सा प्रेसिपिटेट इसमें बना होगा अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। न्यूट्रल KMn4 ने रिएक्शन किया है H2O2 के साथ। चलिए फिर इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही रखते हैं। अभी मैं इसमें अगर और H2O2 डालूँ ना तो ये और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा क्योंकि बहुत सारा KMn4 अभी भी रिएक्शन नहीं किया होगा। चलिए वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं और दमदार लगा हो तो फिर लाइक वाइक ठोक सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।